कर दोस्तों, आज मैं जो प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है स्नेक प्लांट। आप जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, ये है स्नेक प्लांट। ये हम मैंने उठा के रखा है मिट्टी से। देखिए, ये मैं पॉट में लगाऊंगा। कैसे लगाया जाता है और कहाँ किधर लगा सकते हैं ये बताऊंगा मैं। मेरा हिंदी बहुत वीक है, माफ कर दीजिएगा। तो ये जो स्नेक प्लांट है ये बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। कौन लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है। जो ये प्लांट के लिए ज़्यादा केयर का जरूरत नहीं है, आप वीकली एक बार पानी दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और एक बार लगाने के बाद ये बहुत सारे इससे छोटे छोटे ऐसे पौधे निकल आते हैं, बहुत सारे। ये जो पॉट है, ये पॉट में लगाएंगे तो ये एकदम भर जाएगा। बड़ा पॉट में लगाएंगे तो बड़ा पॉट में आ जाएगा, भर एकदम भर जाएगा। ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे छोटा छोटा टिनी जो प्लांट है निकलेगा, और उसको काट के लगा देंगे फिर से हो जाएगा। देखिए, ये मैं काट के रखा, ऐसे इसको भी काट लूँगा। ये प्लांट आप किधर भी लगा सकते हैं, जिधर धूप आते हैं लगा सकते हैं, जिधर छाव आते हैं लगा सकते हैं, जिधर भी आपका मर्जी हो लगा दीजिए। ज़्यादा धूप हो के हो गए तो ये सहन कर लेगा, ये कम होगा तो ये बियर कर लेगा। तो इसके लिए ज़्यादा केयर का जरूरत नहीं है। जो प्लांट का शौक है, जिसका जो बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, कोई ऑफिस के काम में बाहर चला जाता है, एक हफ्ता दो हफ्ता इसे केयर नहीं कर सकता है, वो आराम से ये प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि ये 15 दिन 20 दिन पानी नहीं मिलने से भी ये ऐसे ही रहते हैं, कोई इसमें खराबी नहीं होता है। इतना अच्छा प्लांट है। इसका जरूरत क्या है? इसका सनलाइट दीजिए, नहीं दीजिए, कम दीजिए, कोई बात नहीं। 1 घंटा सनलाइट आएगा उधर भी रख सकते हैं, 12 घंटा सनलाइट आएगा उधर भी रख सकता है, जिधर भी आपका मर्जी हो रख सकते हैं। जिधर सनलाइट नहीं आता है घर के अंदर, उधर भी रख सकते हैं। आपका जो ट्यूबलाइट है, घर का जो ट्यूबलाइट है, उसका जो लाइट निकलता है उसमें से ही ये बढ़ता रहेगा। इसके लिए कोई अलग से कोई केयर का जरूरत नहीं होगा। इसका जो पॉट लेंगे, कोई भी पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो पॉट होगा ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखिए ज़्यादा डीप तक नहीं जाते, ज़्यादा डीप तक नहीं जाते। तो ये इसका जो पॉट है ये 6 इंची डीप होगा तो बहुत बहुत हो जाएगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होता है। तो आप लगा सकते हैं, बड़ा पॉट में भी लगा सकते हैं, ऐसे डीप पॉट में भी लगा सकते हैं, आपका मर्जी है, ज़्यादा जरूरत नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, ये जो पॉट होता है ये पानी, ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते, इसलिए इसका नीचे देखिए होल कर लिया। ये जो पॉट है, पॉट के नीचे होल नहीं है तो आप पॉट के नीचे होल कर लीजिए। कोई भी पॉट ले लीजिए, मिट्टी का पॉट हो, ये प्लास्टिक का पॉट हो, कोई भी हो, ये देखने का अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये प्लास्टिक का पॉट ले लिया। और इसका जो मिट्टी है, कोई भी मिट्टी में लगा लीजिए, हम ऐसी मिट्टी ले लें, देखिए ऐसे मिट्टी लेंगे, कोई भी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, काला मिट्टी हो, ऐसे मैं ग्रे कलर का मिट्टी हो, कोई भी मिट्टी हो, बालू मिट्टी हो, आपका कोई जो लोम सॉयल है वो लोम सॉयल बहुत अच्छा ग्रो करता है, लोम सॉयल में भी जो भी मिट्टी हो उसमें लगा दीजिए, बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। अच्छा, इसमें नीचे हम कुछ थोड़ा सा ऐसे इसको कवर कर देंगे, नीचे वाला थोड़ा इसको तोड़ लेते हैं। कोई भी हो ऐसे मिट्टी का टुकड़ा, सॉरी मैं जो भांग होता है क्या बोलते हैं, पॉट का टुकड़ा, मिट्टी का पॉट जो होता है इसका टुकड़ा हम ले लेते हैं, ऐसे ले लिया, इसको नीचे कवर कर दिया कि मिट्टी नहीं निकलेगा लेकिन उसका जो पानी निकल जाएगा, ऐसे लगा दिया।
जी हो गया, अब इसमें हम मिट्टी भर देंगे, मिट्टी भर देंगे। इसके बाद थोड़ा मिट्टी भरने के बाद हम क्या करेंगे, हो गया देख लीजिए, ये जो अब अंदर डालेंगे तब इतना तक, ये जो जॉइंट है ना जिधर से रूट निकला, ये जो जॉइंट है जिधर से रूट निकला उससे थोड़ा ऊपर, 1 इंच ऊपर तक मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, उसके उससे ज़्यादा नहीं, 1 इंच तक मिट्टी के नीचे तक जाना चाहिए। तो हम ऐसे डाल दिया, ऐसे एक साथ करके ऐसे डाल दिया, और ऐसा ऐसा ऐसे पकड़ के रखिए और ऐसा ऐसा भर दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और आपका जो साइज है वो साइज के अंदर ही रहेगा। ये स्नेक प्लांट की खासियत क्या है, ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है। एयर प्यूरीफायर मीन्स ये आपका जो वायुदूषण रोक करते हैं, जो आपका एयर है उसको प्यूरीफाई करते हैं। इसको घर के अंदर रखते रखने से आपका घर का जो एयर है वो प्यूरीफाई कर जाएगा, घर का ये ऑक्सीजन निकलता है, रात के टाइम ऑक्सीजन निकलते हैं। तो नासा का जो टॉप 10 प्लांट है, जो एयर प्यूरीफायर प्लांट है, उसके जो लिस्ट है जो उसके अंदर ये भी है। तो इसको आप घर के अंदर आराम से रख सकते हैं, आपका जो बेडरूम है बेडरूम के अंदर आराम से रख सकते हैं। ये सूखा है मिट्टी, एकदम टोटली सूखा है, इसलिए गिर रहा है, लेकिन ये गिरना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा और दे देता हूँ, उसके अच्छा से पानी दे दूंगा, अच्छा से पानी दे दूंगा। तो ये पानी देता हूँ अच्छे से, इससे नहीं आएगा। मैं क्या करूँगा, पानी मार से दे देता हूँ, अच्छे से पानी दीजिए, इतना पानी दीजिए नीचे से निकल जाता है, ये पानी नीचे से निकलना चाहिए। तो ये पूरा सूखा है, नीचे से शायद नहीं निकलेगा क्योंकि इतना सूख गया पानी, मिट्टी नीचे से शायद नहीं निकलेगा क्योंकि वो पकड़ लेगा पानी को। तो देखिए अब ये हिल रहा है, क्योंकि इसको हम टाइट कर देंगे ऐसे, अब क्या करूंगा इसको मैं थोड़ा रस्सी से बांध दूंगा। थोड़ा रस्सी ले लूं, तो ये नहीं हिलेगा, ऐसे रस्सी से बांध दूंगा तो ये नहीं हिलेगा। दो चार दिन बाद ये मिट्टी जब बैठ जाएगा ठीक से सेट हो जाएगा मिट्टी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये रस्सी हम खोल देंगे, लेकिन आप ये हिल सकते हैं,
इसलिए हम रस्सी से इसे बांध देंगे। तो ये हिलेगा नहीं, बस बात ये हिलेगा नहीं। अब क्या करेंगे, थोड़ा और मिट्टी इसमें दे देंगे। तो ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर तक इसको मिट्टी दे दिया। ये मिट्टी नीचे चला जाएगा, ऐसा ऐसा बैठ जाएगा, क्योंकि एकदम सूखा मिट्टी है, ऐसा ऐसा नीचे चला जाएगा। नीचे हो गया। अब इसका केयर कैसे करना है, रेगुलर केयर कैसे करना है, इसको आप सनलाइट में रखिए, इधर घर में रखिए, जिधर भी हो आपका मर्जी उधर रखिए। मंथली एक बार इसमें एक मुट्ठी आप जो वर्मी कंपोस्ट है दीजिए। ऐसे वर्मी कंपोस्ट आप जानते ही हैं, तो ऐसे देखते हैं वर्मी कंपोस्ट, एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए महीने में एक बार, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं होता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है और इसमें फूल भी नहीं आ रहा है, और इसका पत्ता ऐसे ही होता है। तो महीने में एक मुट्ठी काफ़ी है इसके लिए। और आपको जब बाहर से ऐसे छोटा छोटा निकले आएगा तो इसको काट लीजिए, इससे एक प्रोपागेट कर लीजिए, काट लीजिए, ऐसे लगा दीजिए। देखिए ऐसे लगा दीजिए, फिर से एक प्लांट हो जाएगा, एक प्लांट फिर से हो जाएगा, बस और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब जो आप लोग जो जानना चाहते हैं, हम प्लांट करना घर में प्लांट करना शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा प्लांट करूं, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा प्लांट से शुरू करूं। तो स्नेक प्लांट सबसे आइडियल है, बेसिक जो शुरू करना चाहता है उसके लिए स्नेक प्लांट सबसे अच्छा है। उसके बाद क्या है, ये जो स्नेक प्लांट है इसको प्रोपागेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए एक प्रोपागेट करके दिखाता हूँ। कोई भी कांची लीजिए, देखिए हम कुछ ऐसे इसको कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं प्लांट ये इसे अल्कोहल से साफ कर लीजिए, स्टेरिलाइज कर लीजिए, आप कर लीजिए कोई भी अल्कोहल से स्टेरिलाइज कर लीजिए, स्टेरिलाइज करने से कोई असुविधा नहीं है तो कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, एक कांची या ब्लेड या छुरी जो नाइफ जो भी हो ऐसे ले लीजिए और एक इसका डाल काट लीजिए, जो भी देखिए ये डाल खराब हो गया है, इधर से इधर खराब हो गया, तो हम क्या करेंगे ऐसा इसको काट लेंगे। देखिए एक दो ऐसे कर दो काट लिया, और ये वाला नीचे, ये वाला नीचे का पर्सन है, ये ऊपर का पर्सन है, ऊपर का पर्सन मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन नीचे का जो पर्सन काटा है वो आप ऐसे लगा दीजिए। ऐसे मैं आपको अपडेट दे दूंगा बाद में, ऐसे लगा दीजिए। देखिए ये ऊपर का पर्सन है, ये नीचे का काट लिया, नीचे का पर्सन है, ये आप इधर लगा दीजिए ऐसे। कुछ दिन बाद आप देख सकेंगे ऐसे निकल आएगा, ऐसे इसका जो बाड़ है नया जो प्लांट है निकल आएगा, ऐसे ऐसे निकल आएगा नया प्लांट। तो कैसा लगा, और कुछ क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर दे दूंगा आपको। और कोई प्लांट के बारे में कोई क्वेश्चन होगा वो भी पूछिए, मैं आंसर दे दूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से और उसका
साइड में जो बेल आइकन है, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, तो नया जब भी मेरा वीडियो आएगा आपके पास चला जाएगा, आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएगा, आप जान सकेंगे कौन सा नया वीडियो आ गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग, बाय।